फॉर्मल में आओ और यू नीड टू बी मोर फॉर्मल कह रहा वो मान गया अंदर जाने के लिए। बस इसमें था कि वो ये अपनी शर्टें चेंज कर रहे हैं अंदर, तो फिर अब वो जाएंगे। तो हाँ भाई कैसे हो सारे, मेरा नाम है समय और आज हम आए हैं लिथुएनिया की सेकंड वाली सीरीज का पार्ट है। तो आज हम लिथुएनिया की लाइट लाइफ दिखाएंगे आपको और हम ऐसे लिथुएनिया में ऐसे नॉर्मल घूम रहे हैं। तो आपको मॉर्निंग वाला तो हमने दिखा दिया, अब आपको हम दिखाएंगे नाइट लाइफ थोड़ी थोड़ा। देखते हैं यार गाने वाने बजते हैं यार, कॉपीराइट का थोड़ा लगता है पर कोई नहीं, देखी जाएगी क्या फ़र्क पड़ता है। बाकी हम सारे आए हैं, वो थोड़ा अंदर बैठे हैं तो ज़रा मैं वीडियो बनाता तो दिखाते हैं। तो ऐसी भीड़ है पूरी, काफ़ी लाइवली माहौल है भाई, बिल्कुल बहुत प्यारा है, हर जगह गाने वाने बज रहे हैं और भाई क्या चेल है, बिल्कुल बहुत मस्त है। ऐसे लग रहा है कि पूरा विल्नियस बाहर है, बहुत ही प्यारा। तो कैमरे पे ऐसा लाइट्स पड़ रही है तो थोड़ा रिफ्लेक्शन आ रहा था हर बार, मतलब भाई लोग कोई ना सारे लोग बैठे हैं, बहुत प्यारा लगा है। लोग ऐसे देख रहे हैं पर भाई मन नहीं, मैं ऐसा हो गया कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बाकी अब देखता हूँ किधर जाऊँ, पूरा घूमूंगा मैं थोड़ा बहुत। अभी वो 5 मिनट के लिए अंदर बैठे हैं सारे, तो फिर वो बाहर आ जाएंगे। मैंने कहा तब तक चलो मैं घूम के आता हूँ। तो ऐसे ही चलते चलते हम आए हैं यहाँ पे, देखते हैं क्या है। ये लिखा है मैस नाटो, मैस नाटो इज जनरली मी इज पार्ट ऑफ नेटो आई गेस। इनकी लैंग्वेज थोड़ी लाटवियन से सिमिलर है, सो हल्के बहुत सब थोड़े जैसे मुझे आइडिया तो लग ही जाते तो मुझे समझ आते हैं, तो एक पता चल जाता है। पर ये मतलब बेसिक सी वो है थोड़ी बहुत, यूक्रेन और लिथुएनिया का झंडा लगा हुआ है इधर उधर भी ऐसे। ये इंसान जी हैं हमारे, जनरलस जोनस जिमाइटिस इनकी वो है। चलो बाकी उस साइड चलते हैं, पहले हम गए थे उस साइड, अब हम जा रहे हैं इस साइड। बढ़िया लगती है रात को बिल्डिंग्स बिल्कुल वैसे लाइट में, हमने सुबह घूम के तो देखा था पर एक बार रात में भी घूमते हैं। अगला भी अगर कल भी शायद हमारा मैच रात में ही ख़त्म हो तो फिर नाइट लाइफ पे ही कंटिन्यूस कर देंगे, देखते हैं क्या करते हैं, रातों का सीन बनता है। अभी तो फिलहाल के लिए सीन है सारे जैसे ब्लॉग को देख के अपनी शर्टें वर्टें सही करता है, वो देखते हैं ध्यान देते हैं ना, आपको दिखेगा समझ आएगा। बाकी चिल भाई, बहुत बढ़िया माहौल है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। ये देखो वो गंजू अंकल ऐसे अपने दोस्तों को बोल रहा है इधर देखो, ये मीटिंग रूम स्टेज बना रहा है, स्टेज का वो बढ़िया बिल्कुल काफ़ी। तो उसको वो कह रहा हेलो कह रहा, मेरा दिमाग नहीं चल रहा। तो कह रहा भाई बढ़िया अच्छी बढ़िया ही लेवल हो गया भाई, नेक्स्ट लेवल, बहुत प्यारा लग रहा है, बिल्कुल सुंदर लग रहा है काफ़ी। लोग भी भाई चिल कर रहे हैं।
क्या हो गया उसको, हो जाता है भैया। ये नोवोटेल होटल का नाम कोई सुना रखा है, आई थिंक इसकी वेरियस ब्रांचेस हैं। मेरा यार अभी कुछ खाने का मूड नहीं है, क्योंकि हम जब मैच में था तभी खा लिया था काफ़ी लोग काफ़ी कुछ, तो मतलब अभी डाइस ही ऐसे भूख लग भी रही है, नहीं पेट भी भरा हुआ है, तो समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, ज़्यादा होगा तो देख लेंगे अभी चल के सब वो करते हैं। और वैसे भी कल सुबह सुबह मैच है हमारा 6:30 बजे बोला, 6:30 बजे भाई कोई भी नहीं उठने वाला, इन्होंने खुद का मैच 2.5 घंटा लेट किया, तो हमारी जगह उधर भी अच्छा लग रहा है। क्या बात है भाई, लोग आवाज़ें कर रहे हैं। अब हम उस तरफ जाएं इस तरफ जाएं, तो देखते हैं किस तरफ जाएं। अच्छा तो अभी हम ये रास्ता चुन रहे हैं, फिर हम वो रास्ता चुनेंगे। वैसे वो रास्ता काफ़ी अच्छा लग रहा है, पर मैं मैक्सिमा को देख के आगे कुछ पानी वानी मिल जाए, तो 8 से 10 बजे ही बंद हो जाता है। उधर मैकडी खुला हुआ था, अगर कुछ नहीं मिला तो सस्ते में रात को वहीं खा लेंगे, ठीक है। मतलब भाई बहुत वो है कि लोग हैं अभी, पर ऐसा नहीं है कि चीखना चिल्लाना हो रहा है। जानती थी एडिडास के शुरू में, और क्या बात है भाई, 50% ऑफ यहाँ पे भी बढ़िया है। मतलब एडिडास का माल सस्ता मिलता है, देखते हैं यहाँ के इनके पास नाइकी में मिलता है कहीं। तो मैकडॉनल्ड भी का काफ़ी बड़ा है ये वाला, इनके यहाँ भी वही लगभग सेम ब्रांड्स और सेम वो है, बट जैसे ग्रॉसरी में इनके यहाँ इकी भी करके है, तो IKI। तो हमने रात को वहीं से लिया था 20 यूरो में, मतलब हमने काफ़ी सामान ले लिया था पर वो सब ने खा लिया। जैसे फ्लाइंग टाइगर ये भी दिखाया था मैंने को गिफ्ट वाली वीडियो में, तो भाई सब लगभग सारे सेम ब्रांड्स हैं। बेसिकली जब मैं ऐसे जाता हूँ तो मुझे ऐसे ही ऐसे मतलब कहीं भी रैंडम स्ट्रीट्स में चले जाता हूँ देखने के लिए, यही ऐसा मेरा घूमने का तरीका है। यहाँ पर ऐसे बहुत सारी रिमी की बाइक्स रहती हैं, और ये वैसे जहाँ अच्छा लगे दिखता हुआ तो वहाँ चले जाते हैं बिल्कुल। ये बढ़िया लग रहा है और पीछे सीन भी अच्छा है, हमने कहा हाँ इस गली में आके देखते हैं। फुल सपोर्ट जैसे कर रहे हैं यूक्रेन को इन्होंने, ये भी 100 की ब्राइटनेस कम करता हूँ तो आएगा दिख रहा। तो आप देख रहे हो ये बिल्कुल यूक्रेन के झंडे के कलर की तरह बना रखा है, क्योंकि बसों पर भी लिखा होता है विल्नियस लव यूक्रेन, और हमने थोड़ी सी ब्राइटनेस हटा दी थी तो ये ऑटो वो कर देगा। चलो ठीक है, विल्नियस का सिटी का मैम, और ऐसी जगह है इसमें कुछ दिख नहीं रहा, पर इसमें भाई काफ़ी सी जगह है और काफ़ी बड़ा है, ये देख रहे हो अब हर जगह तक, तो टॉप 15 प्लेसेस टू विजिट कैमरे में ले लेते हैं। और सर वो एरिया बहुत जगह बढ़िया लग रही है, देख रहे हो आप वो वावे का भी वो बिल्डिंग काफ़ी बहुत ज्यादा है। अभी हम वहाँ नहीं जाएंगे, अभी हम जाएंगे इस तरफ ही ओल्ड टाउन की तरफ। तो अभी हम इस जगह से गए थे और घूमते घूमते ऐसे घूमते घूमते हम इस जगह से आए हैं, और इस जगह से हम मतलब इधर गए थे। तो अब हमारे पास है इधर जाने का या वापसी जाने का, तो किधर जाना चाहिए हमें। अब वो बुला रहे हैं मैकडी भी, क्या सीन है उनका, पर वहाँ मुझे दिख रही है एक अच्छी चीज़, तो क्या करें क्या करें। कोई नहीं, फिर ऐसा करते हैं कि ऐसे घूम के चले जाएंगे, क्या बोलते हो। और ये ऐसे लाइटिंग डाल रखी इधर, जब नई नई चीज़ होती है तो मेरा ऐसे ब्लॉग बनाने का मन नहीं करता, मेरा मन करता है आराम से शांति से देखते रहो, पर मैं फिर ये सोचता यही तो चीज़ है, थोड़ी सी शांति रहेगी मेरे मन, मैं भी बोलूँगा कम और आपको भी ज़्यादा दिखेगा तो बढ़िया लगेगा मेरे हिसाब से। मेरा थोड़ा यूनिक स्टाइल है, ज़रूरी नहीं है कि मैं बोलता रहूँ और ऐसा सा लग रहा है। और इनके लिडल है भाई, क्या बना रखा है अंदर से, काफ़ी अच्छा लग रहा है, मौज सा है ये। और ये जो लाइन है, अच्छा तभी मैं कहूँ लोगों से बीच में भी चल रहे हैं,
थेपुई रोड में जैसे आप आगे देख रहे हो क्लोज बैरिकेड्स हैं, तो यहाँ आप मतलब लोग कैसे भी चल सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ गाड़ी नहीं आ सकती। और ये है वो बिल्डिंग जिसको हम देखते देखते आए हैं यहाँ, और आई थिंक ये इनका वो है टाउन हॉल स्क्वायर जो मैंने आपको पहले दिन दिखाया था, याद है? और मतलब बिल्कुल हम बहुत ही बढ़िया जगह पे आ गए भाई, बिल्कुल सेंटर में आ चुके हैं। बहुत प्यारी प्यारी बिल्डिंग्स दिख रही हैं आपको, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और रात रात को भाई 10 बजे, अरे क्या हो गया, डरा दिया इसने एकदम से मेरे को, तो वो भी बहुत बढ़िया लग रहा है। पीछे देख रहे हो आप जो बड़ा वाला टावर था, वो भी बहुत सुंदर लग रहा है। अब वहाँ जाने की हिम्मत नहीं है, यहाँ से वापसी चलेंगे ओल्ड टाउन में बैठेंगे, थक गया पैर, सुबह मैच भी खेलना है। तो ये लोग मुझे मैकडी बुला रहे थे, मैकडी में खा रहे हैं, तो पता नहीं क्या किया मैंने, कह रहा आधे घंटे से मैकडी जा रहे थे, मैं क्या इतनी देर की वेट कर रहे हैं, ये खड़े ये लोग। तो मेरा ऑर्डर नंबर है 64, तो ये लोग तो आधे घंटे से वेट कर रहे थे, तो इनका ऑर्डर इतनी देर में आया। अब जो है भाई अभी भी 30 कुछ नंबर चल रहा है और मेरा 64 है, तो भाई इतना इतना देर लगने वाला था कि लोग भाई हर जिसको बोलता हूँ, अरे तो पूछा नंबर कौन सा, मैं कहता 64, जो वो बोलता है वो गाली देता है और फिर कहता है हम नहीं जानते तेरे को। चलो कह रहा है इतनी देर में जितना मेरा ऑर्डर आएगा और उतने में लोग खा लेंगे। वहाँ से कुर्सियाँ उठा उठा के ला रहे हैं, भैया है फोटो खिंचवाने कह रहे हैं Peace. No need that peace. No. Please subscribe, yeah. This is my friend. Subscribe, you know. Subscribe, yeah. Bro, please hit the bell button. Yeah. We are already your subscribers. So what you are giving for us? Hit the like button. I give this all. Yes. Apoda boom. At Maruma. இல்ல bro வேற வேற ஒண்ணு கூட எனக்கு பிரிச்சான் bro what is this bro this is like chips or what this is yours ये है हमारी डॉर्मेट्री, बड़ी खाली सी जगह में डॉर्मेट्री नहीं है, मतलब हॉस्टल, यूथ हॉस्टल ही है इसका नाम, वो बाहर लगा हुआ है पर मैं सुबह मतलब अच्छा लगता है, थोड़ी हम रात को आए हैं तो इसलिए। 13 यूरो पर दिन का है और दिखा देंगे। तो ये यहाँ रिसेप्शन पे रजिस्टर करना पड़ता है। ये इनका वॉशरूम है भाई, ये मैकडी का शेक आपको दिखाया था ना मैंने, ये कह रहे चुप करो पर हम चुप नहीं होते। तो ये है हमारा रूम पूरा, हमने गन बचा दिया था, अब लेटते हैं थोड़ा सुबह सुबह।